सर प्लीज सर, कुछ भी करके उसे ढूंढिए सर। उस किडनैपर को किडनैप किए 1 घंटा हो गया है सर, कहीं वो उसे तकलीफ तो नहीं दे रहा। इस बात का डर मुझे सताए जा रहा है सर। प्लीज कुछ करिए सर, कुछ भी करके उसे ढूंढिए सर। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ करता सर, प्लीज दया करिए। हेलो, हाँ ये कब से दिमाग खा रहा है? 1 घंटा हो गया है सर। मैं बाद में कॉल करता हूं। सर उसे ढूंढिए सर। ठीक है, मैंने कहा ना हम कुछ करेंगे, उसके फोटो दे देना। आप कुछ भी कर सकते हैं सर, प्लीज उसे ढूंढ के लाइए सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ सर। हाँ मैं उसी काम से आया हूँ, मैं स्टेशन आया हूँ सर। 1 घंटे से ज्यादा हो गया है सर, कुछ कीजिए सर, प्लीज सर मेरी बात मानिए। हाँ कहा ना मैं उसी काम से आया हूँ, मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ। हाँ भाई मैंने एक बार कहा ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। हम लोग उसे ढूंढेंगे, लेकिन उसकी एक फोटो तो दे दो सर। बहुत टेंशन हो रही है, तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। बोला ना हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे सर, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है सर। उसकी फोटो तो लेकर आओ। अच्छा ठीक है, एक बार मैंने कहा तो समझ में नहीं आया? प्लीज नाराज मत होइए सर। एक बार तुमने कहा तो मैं समझ गया ना, बार बार एक ही बात क्यों बोल रहे हो? जाओ, ज्यादा दिमाग मत खाओ, जाओ। नाराज मत होइए सर, अभी की अभी लड़की को ढूंढूंगा क्या? जाओ जाओ ना, एक बार बोला ना, जाओ प्लीज। अरे ठीक है भाई, एक बार कह दिया ना, तुम्हारी लड़की को ढूंढ लेंगे, जाओ। हाँ मैंने बात की थी उनसे सर, आपके लिए कुछ भी अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। प्लीज ये क्या एक ही बात को बार बार बोलते जा रहे हो? मैंने कहा ना जाओ, हम लोग ढूंढेंगे। प्लीज सर थोड़ा ध्यान दीजिए सर, उसके साथ क्या हो रहा है इस बात का डर लग रहा है मुझे सर। सर सॉरी सर, प्लीज सर थोड़ा ध्यान दीजिए सर, उसके साथ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं सर। सर आप नाराज मत होइए सर, ढूंढेंगे कहाँ ना, एक ही बात तो रिपीट कर रहे हो। प्लीज सर ठीक है, बोला ना ढूंढ लेंगे, अब जाओ घर पर जाओ सर, जाओ। आप ढूंढ देंगे तो मैं जाता हूँ सर, मिल जाएगी तो बता दूंगा, जाओ। हाँ जाओ ना, मिलेगी तो बता दूंगा। कुछ नहीं पता, तुझे 2 घंटे का टाइम देता हूँ, याद रख जो भी डॉक्यूमेंट्स तेरे पास है चुपचाप लाकर मुझे दे दे, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। सोच ले तुझे क्या चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड चाहिए या डॉक्यूमेंट्स? देखो उसे कुछ मत करना। अबे तुझे जो करना है कर, बस 2 घंटे हैं तेरे पास। प्लीज बोला ना उसे कुछ मत करना। अगर 2 घंटे में डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं मिले तो तेरी लवर तुझे नहीं मिलेगी, तुझे इसकी डेड बॉडी से संतोष करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा कुछ मत करना। ऐसा है तो डॉक्यूमेंट्स लेके आ जा। शे, अभी मैं क्या करूं? ऊपर से इसने कॉल कट कर दिया, क्या करूं मैं, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करूं, इससे बात करके देखूं क्या, शायद कोई बात बन जाए। मुझे पता था कि तू आएगा। उस किडनैपर ने क्या बोला तुझे? अगले 2 घंटे में उन्हें डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, तभी वो लोग उसे छोड़ेंगे। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करोगे? अगर पुलिस के भरोसे बैठे तो बहुत देर हो जाएगी, और अगर 2 घंटे के अंदर उन्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो वो लोग उसे
जान से मार देंगे। अभी मेरे पास बचा हुआ आखिरी ऑप्शन आप ही हो। मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, आप उसे ढूंढ कर लाओ। ओके। प्लीज इस बार मेरी हेल्प करो। ठीक है, चल। तुझे इस किडनैपर गैंग के बारे में कुछ पता है क्या? सर मैं ये कैसे बताऊं, चाइना से इंडिया तक उनका बहुत बड़ा लिंक है। वहां से लेकर यहां तक कम से कम 1000 लोगों का हाथ होगा, और बेंगलोर तक पहुंचने के लिए और 1000 लोगों का हाथ होगा। सर मुझे एक इंसान पर शक है। कौन है वो? उसके बारे में मुझे इतना नहीं पता, लेकिन वो मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर्स में वर्स्ट है। ओहो। वो मेडिकल आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके बारे में मुझे इतना नहीं पता, लेकिन उसके साथ ये चाइना से आने वाले दांत वो रिटेल में डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसका ठिकाना एक बार के ऊपर है, मलेशियारम में एक बार है सर, वहां पर वो ये सब गांजा ड्रग्स दारू सब सब लेता है सर। मुझे उसी पर शक है सर। तो उन्हें ट्रैक करने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है? तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे हम उन्हें ढूंढ लेंगे, यू डोंट वरी। ओके सर। ओके, तुम घर जाके आराम से सो जाओ। ठीक है सर। अगले 2 घंटे में तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास होगी। थैंक यू सर। हाँ, और मेरे पैसों का क्या? ट्रांसफर कर दूंगा सर। भूलना मत। ओके। महादेशा तू ही है क्या? महादेशा भी मैं हूँ, शिव भी मैं हूँ, ईश्वर भी मैं हूँ। क्या कर लेगा तू? कौन है रे तू? रूबी को जानते हो? कौन सी रूबी? किस रूबी की बात कर रहा है तू? चाइना का दांत। कौन कौन है तू? यहां क्यों आया है? ज्यादा नाटक मत कर। हे नहीं बताऊंगा।
बताता हूँ। बोल कहाँ मिलेगा वो? श्रीरामपुरा मेट्रो स्टेशन। अरे क्या है यार, आराम से सिगरेट भी नहीं पीने देते। हेलो, कहाँ है तू? क्या बात है, क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं यार, यहाँ पे बैठ के सिगरेट पी रहा था। और कर भी क्या सकते हैं, अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है। तू है कहाँ पर? अच्छा, मुझे अर्जेंट काम है। ऐसा क्या है? तिलक नगर में एक डेंटल क्लिनिक है, वहां तुझे फौरन जाना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं किस लिए? अरे मैं अभी वहां पे नहीं आ सकता, मुझे बहुत काम है, गर्लफ्रेंड मेरा इंतजार कर रही है। देख यार, वैसे भी लड़की मिल नहीं रही है, एक बुलाई भी है तो इसमें तू टांग अड़ा रहा है। मैंने कहा ना कि मैं वहां पर नहीं आ सकता। नहीं यार, मुझे ये सब नहीं सुनना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। मैं नहीं जा सकता यार, मुझे लड़की देखने जाना है, जरा बात को समझना। अच्छा, तो तू नहीं जाएगा? मैं नहीं जा सकता यार। तू मेरी बात नहीं मानेगा? बोला ना नहीं जा सकता यार। मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ। यार तुझे कैसे समझाऊं, मैं नहीं आ सकता यार। मैंने बोला ना नहीं नहीं मतलब नहीं। अगर तू ये काम करेगा तो मैं तुझे गोवा भेजूंगा। गोवा में? तू सच में मुझे गोवा में भेजेगा? हाँ बिल्कुल ठीक सुना तूने, पहले ये काम खत्म कर। ठीक है, सच में लेकर जाएगा ना गोवा? गोवा लेकर जाएगा तो मैं ये काम जरूर करूंगा। लेकर जाऊंगा तुझे। ठीक है मैं आता हूं। अच्छा करना क्या है? तू पहले वहां जा, बाकी का बाद में बताता हूं। क्या करना है, कहां जाना है, किससे मिलना है, ये सब ठीक से बता मुझे, कुछ भी मत बोल। ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा, तू जल्दी आना। आपको क्या चाहिए? आप दांतों का सप्लाई करते हो क्या? हाँ। उसकी कीमत कितनी है? उसमें दो तरह के दांत हैं, एक नॉर्मल है और दूसरा इंपोर्टेड है, आपको कौन सा चाहिए? देखो हम बड़े लोग हैं, हमें इंपोर्टेड ही चाहिए। इंपोर्टेड चाहिए तो थोड़ा कॉस्टली आएगा। अच्छा, कितना कॉस्टली? एक बॉक्स का कितना होगा? अंदाज से आपको जितना चाहिए उस पर डिपेंड करता है। हमें एक बॉक्स चाहिए। एक बॉक्स का मतलब 700 होते हैं, मैं पूछकर आपको बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता। कोई बात नहीं, यहाँ के दांतों में, फॉरेन के दांतों में, चाइना के दांतों में पॉइजन मिक्स करना है। हाँ पॉइजन, कौन हो तुम? मुझे वो सब नहीं पता, मुझे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि पॉइजन मिक्स किया हुआ दांत तेरे पास है क्या? सच सच बताओ, कौन हो तुम, क्या करना चाहते हो? देख शायद तेरा दांत स्ट्रांग है और हमारा वीक है, लेकिन तू उसी फील्ड का है, स्ट्रांग दांतों को वीक करने वाला जरूर आएगा। कौन हो तुम,
आएगा, तू बस देखते रह। भार्गव, तूने ऐसा क्यों किया? हमारे देश को बर्बाद करना चाहता है क्या? चाइना वाले युद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो वो ये सब करेंगे क्या? और अब तुम हमारे साथ गद्दारी करोगे क्या? ये सब करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जैसे लोगों की वजह से ही इस देश का ये हाल है। ये सब करना तुम्हें किसने सिखाया है? और कितने लोगों को बर्बाद करोगे तुम? हमारे देश को तुमने समझ क्या रखा है? आखिर करना क्या चाहते हो हमारे देश के साथ? तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म बाकी है या नहीं? अपने अंदर थोड़ी सी देशभक्ति पैदा करो। तुम जैसे लोगों पर थू है। चाइना वाले युद्ध नहीं कर पा रहे हैं इसलिए तेरे जैसे लोगों को हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग दांत में जहर मिलाकर लोगों को मारने के लिए सोच रहे हैं। वो लोग देश का बुरा नहीं कर रहे हैं। हमारे देश का कांटा वो लोग नहीं है, असली कांटा तुम लोग हो। क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हारे किए हुए इन कामों की वजह से ही हमारा देश बर्बाद हो रहा है। तुम जैसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। सच बता कि क्या चल रहा है। देखो, मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। तुम्हारी टीम और कहां कहां है? तुम्हारा नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है? हम लोग होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हमें होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर मिलता है, उतना ही माल भेजते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। हमें ऑर्डर मिलता है, हम सप्लाई कर देते हैं, इतना ही। इसमें थोड़ी मेरी भी गलती है। आगे से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा और ऐसी कोई बात होगी तो इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर है। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड चाहिए, तुम्हें जो करना है वो करो। अभी तुम कहाँ हो? मैं अभी घर पर हूँ। एक काम करो, तुम घर पे आराम से सो जाओ, 2 घंटे में तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें मिल जाएगी। तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी कल एक बार बोला तो समझ में नहीं आता है क्या? चुपचाप सो जा, 2 घंटे के बाद मैं खुद कॉल करूंगा। बार बार कॉल करके डिस्टर्ब मत कर, फोन रख। शेह, ये ऐसे क्यों बात कर रहा था? अरे दिमाग खराब हो रहा है। क्या बात है गुरु, बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया है। क्या बे, आजकल तू इधर दिखता नहीं। आप ही नहीं देखते हैं गुरु। अबे तेरी आंखें कमजोर हो गई है क्या? अरे नहीं नहीं यार। अरे यार फोन करता हूँ तो तू फोन नहीं उठाता, कहाँ था यार? मैं भी एरिए में ही था गुरु। लगता है तू अब हमें भूल गया है, बड़ा आदमी बन गया ना। अरे हम कहाँ से बड़े हैं गुरु। तो तू एरिया में था ही नहीं? एरिया तो यही था गुरु। फोन करता हूँ तो रिसीव नहीं करता। अरे लगता है गलती से बोला होगा गुरु। मारो मारो, बहुत झूठ बोल रहा है, मारो इसे। मैं यही था गुरु। क्या बात करते हो आप गुरु? कौन है बे तू? कौन है ये गुरु? वैसे ये है कौन, किस एरिया का है ये? रूबी कहाँ है? तुम्हें उससे क्या करना? अबे कौन है तू? रूबी है कहाँ? अबे तुझे क्या करना है? अबे कौन है ये लड़की की फोटो? कौन है भाई, उसको बताते हैं। चलो बॉस, कुछ तो गड़बड़ है। चलो आ जाओ, बताते हैं। नहीं तो ये पक्का पुराना मैटर ओपन करेगा, मैटर करने वाला है। चलो बॉस को बताते हैं। क्या करें बोल ना। हां चलो चलते हैं। चल चल जाके बता दे। हां मैं भी चलता हूं। हां चल रहा हूं ना, तू चल। एक मिनट रुकना गुरु, जाकर आता हूं। वो जो कोई भी हो उसे हमारे अड्डे पर लेकर आ जा। अरे यार ये भी ना, क्या हुआ? गुरु आपसे कोई मिलने आया है, फोटो दिखाते हुए पूछताछ कर रहा है।
क्या बात है, पूछो उसे। पता नहीं गुरु। ठीक है चलो देखते हैं। क्या बात है? ये लड़की कहाँ है? किसी भी लड़की की फोटो दिखाकर मुझसे पूछोगे तो मुझे पता होगा क्या? पता है या नहीं बस इतना बोल, ज्यादा बोल करके दिमाग मत खराब कर। मुझे पता नहीं है। पता है, मैं नहीं बताऊंगा तो क्या कर लेगा बोल। हाँ मारो साले को। वो लड़की कहां पर है जल्दी बता। लड़की कहां है? नहीं पता, पता नहीं है मुझे, मुझे कुछ नहीं पता। लड़की कहां है? मुझे पता नहीं है, पता नहीं है, मुझे नहीं पता। मैं तुझे नहीं बताऊंगा। बताएगा या नहीं? नहीं पता, मैं तुमको नहीं बताऊंगा। बोलेगा या नहीं? बोल।
नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? बोल बोल। बताता हूँ। नहीं बताएगा? बताता हूँ। कहाँ है? बताता हूँ। बोल। वो लड़की कौन है मुझे पता नहीं। वो लड़की कहाँ पर है मुझे पता नहीं। उस लड़की को किसने किडनैप किया है ये भी मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे छोड़ दो। हेलो। अबे डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ? हार्ड डिस्क कहाँ है? हार्ड डिस्क मिल जाएगा। अबे तेरे दिल में डर होना चाहिए। तू क्या करेगा मैं नहीं जानता। चुपचाप डॉक्यूमेंट्स दे दे नहीं तो लड़की को खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, तुम्हें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो रेडी हो जाएंगे। कब रेडी होगा बे? इंतजार करना होगा दूंगा क्या? लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं लाकर तुझे सारे डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा लेकिन उसे एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। मैं खुद सारे डॉक्यूमेंट्स लाकर तुझे दे दूंगा। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। तू क्या करेगा मैं नहीं जानता। मुझे वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए बस। तू कुछ भी करके उसे ले आ। देख कुछ मत करना। तुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना? वो डॉक्यूमेंट्स मैं तुझे लाकर दे दूंगा। मैं अभी रेडी कर रहा हूं लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आधे घंटे में वहां आऊंगा और आधे घंटे में मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट। कहाँ चला गया ये? हाँ बोल। मैं आ गया हूँ। ये बता अभी तू कहाँ पर है? तूने बताया था उसी जगह पे खड़ा हूँ। अभी कहाँ जाना है? वहीं रुकना, वो लड़का वहाँ आएगा। ठीक है यही रुकता हूँ। यहाँ करना क्या है ये तो बता। वहीं खड़े रहकर मूंगफली खा। वैसे भी तुझे मूंगफली पसंद है ना, तो आराम से खाना। मूंगफली? मुझे यहाँ क्यों बुलाया भाई? तुझे वहाँ कुछ भी नहीं करना है, बस चुपचाप बैठे रहना। जो काम होना है हो जाएगा। ठीक है भाई। वहीं रुकना, वो लड़का वहाँ आएगा। जल्दी भेज देना उसे। यही सर, ग्राउंड में हूँ। मैं भी यहीं पर हूँ यार। मुझे दिख नहीं रहे? सामने देखो। अच्छा आप ही है क्या? भार्गव ने भेजा है क्या? हाँ बैठ बैठ बैठ। वो कहाँ है? हाँ यही आसपास है, आ जाएगा। अच्छा तुम कहाँ रहते हो? यही मालेश्वरम में। अरे आ गए। आ गया। मुझे वो हार्ड डिस्क दे। देता हूँ एक मिनट। ठीक है मैं तुझे कॉल करूंगा। अरे तुम जा कहाँ रहे हो? अरे इसको क्या हुआ यार, क्या हाँ ठीक है। बैठो बैठो। वैसे ये भार्गव है कौन? ये मेरे लिए इतना रिस्क क्यों ले रहा है? उसने मुझे बताया था कि वो अंडरकवर कॉप है। उसे देख कर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और ये समझ नहीं आ रहा कि वो मेरे लवर के लिए इतना रिस्क क्यों ले रहा है। तुझे कैसे मिला वो? उसने मुझे बताया था कि वो अंडरकवर एजेंट है। ऐसा क्या? बट उसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ऐसा क्यों? मतलब वो जो एक्टिविटीज कर रहा है उससे वो वैसा नहीं लगता, लेकिन वो मेरे लवर के लिए इतना रिस्क क्यों ले रहा है? वो ऐसा ही है, उसे हमेशा से आगे रहने का शौक है। फिर भी उस पर मुझे पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है। क्यों डाउट हो रहा है? कहां से आ गया यार ये? तुम्हें कुछ पता है क्या? क्यों दिमाग खा रहा है तब से? उसने बताया ना कि वो अंडरकवर एजेंट है, तो क्यों बार बार पूछ रहा है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? तुझे सच जानना है क्या? हाँ। तेरा भाई है वो? क्या भाई? हाँ भाई। अच्छा बता तू उस लड़की का क्या लगता है? बॉयफ्रेंड। तेरे से पहले वो बॉयफ्रेंड था? क्या बोल रहे हो तुम? मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। देखो फालतू का ड्रामा का टाइम नहीं है ये। ए, हम राजा हरिश्चंद्र के खानदान से हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते। ये सब कब से चल रहा है?
तू उस लड़की को कितने साल से लव कर रहा है? 2 साल से? वो 4 साल से कर रहा है। क्या तुझे ये सब पता था? इसके बारे में सुना था? इसलिए बोला था सच मत पूछना। अरे यार, मैंने बोला था सच मत पूछना, मत पूछना। सच सुनने के बाद गिर सकते हो। क्यों चाहिए ये सब तुझे? देख, उसने भी प्यार किया और तूने भी प्यार किया। दोनों का प्यार एक ही है, वो भी एक ही लड़की से। इसलिए तुझे बोल रहा था कि मुझसे ज्यादा पूछ मत। अब हो गई ना गड़बड़? तब से जिद कर रहा था। एक मिनट, किडनैपर ने कॉल किया है। हाँ, उठा ले। फोन आ गया। आगे जाओगे तो एक रास्ता मिलेगा। उसी रोड पर आगे एक गवर्नमेंट स्कूल आएगा, वही इमीडिएटली एक लेफ्ट है। वहां से आगे जाओगे तो एक सीमेंट फैक्ट्री है। उस सीमेंट फैक्ट्री के पीछे जाओगे तो तुम्हें वहां एक जंगल दिखेगा। उस जंगल में एक पुरानी गोडाउन है, वहीं पर वो मिलेगा। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, बाय। तुमने जो बात बताई वो सुन के बुरा लग रहा है। क्यों दुखी हो रहा है? शांत हो जा। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसने मुझसे पहले किसी और से प्यार किया था। सुन, ये सब बातें दिमाग से निकाल दे, तेरा कुछ नहीं होगा। तुमने जो बात बताई ना वो सुन के बुरा लग रहा है। तुम्हें पता है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। ये यार फिर से शुरू हो गया। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एटलीस्ट वो एक बार तो मुझे ये बता सकती थी। अरे यार, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है यार। ये कितना दिमाग खाता है। इतना सब होगा मुझे पता नहीं था, इसलिए वो इतने टेंशन में है। उसके अलावा मैंने उसे 10 लाख दिए हैं और उसे देखो। इसका मुंह भी बंद नहीं हो रहा है, कब से बड़बड़ कर रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए, ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है? तेरा प्रॉब्लम क्या है? 2 साल से मैंने सिंसियरली प्यार किया है उससे, पता है क्या? वो 4 साल से लव कर रहा था, तुझे पता था क्या? नहीं था ना। ये बात उसने मुझे क्यों नहीं बताई? मैंने एक लड़के को पसंद किया था और हमारा ब्रेकअप हुआ है। तू छोड़ दे उस लड़की को। कैसे छोड़ू, मैं भूल भी नहीं सकता। अरे यार, उसका मेरे साथ घूमना। ए, कब से रेडियो की तरह बजे जा रहा है, अब बस हुआ, चुप हो जा। उन दोनों का लव कैसा था पता है क्या तुझे? उसके लव के सामने कुछ भी नहीं है। तू कब से उन दोनों के बारे में पूछे जा रहा है? तुझे पता होता ना तो नहीं पूछता तू। क्या यार, एटलीस्ट वो बता तो सकती थी। क्या बता सकती थी? कि मैंने एक लड़के को लव किया था और हमारा ब्रेकअप हुआ है, धोखा दे दिया उसने, सही नहीं है वो। चुप हो जा यार। क्या करूं देख, मैं? तू ये सब मत बोल। सच क्या है तुझे भी नहीं पता, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। चल 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 यहां से, चल। टाइम हो गया ना, नीचे सब लोग अलर्ट रहो। कॉल किया था। क्या बोली? मुझे डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कह रही थी। हाँ। तू प्लीज लेकर आ जा, ऐसा बोल रही थी। सोच कह रहा है लेके जा, तेरी गर्लफ्रेंड को छुड़ाने के लिए तूने उसे भेजा है। चल चलते हैं। We'll be right back.
रुक जाओ, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे मालिक से मिलना है, डॉक्यूमेंट्स लेकर आया हूँ। चलो चलो। कौन आने वाला है? जो भी आता है आने दे रहे? क्या है? ये कोई आया है डॉक्यूमेंट लेकर। लाया क्या? आओ। डॉक्यूमेंट्स लेकर आया क्या? हाँ लाया हूँ। अंदर चल। डॉक्यूमेंट्स दे मुझे। लड़की को छोड़ दो। पहले डॉक्यूमेंट्स दे, चेक करना है उसे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? मुझे धोखा देगा बे?
मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बस तुम मुझे 10 मिनट का टाइम दो, मैं अभी गया और अभी आया। मार कर फेंक दे इसे। खेल खत्म साले का। चलो भाइयों। मेरे साथ खेल खेलता है, मुझे कॉमेडी समझता है, मुझे धोखा देगा। Yeah!
शे, कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। कहाँ है गुरु? अभी तक नहीं आया। आएगा आएगा। कब आएगा? कौन गया है पता है क्या? हमारा शेर। कौन शेर क्या पता? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, तेरी गर्लफ्रेंड तो तूने उसको क्यों भेजा? अभी ये सब बात करने का टाइम है क्या? हाँ ऐसा नहीं है। देख आ गया आ गया आ गया। जिंदगी को छोड़कर जीना मुश्किल है, लेकिन दिल के लिए ये इतना मुश्किल नहीं है। तेरे अलावा कोई और नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी मिलेगी वो तेरी तरह नहीं होगी। इस समय मैं तुझसे ये कहना चाहूंगा कि तू उसके साथ रहना, उसके साथ खुशी खुशी जीना। गाड़ी यहीं पर रुक दो, मैं यहीं उतरूंगा।
बस नहीं।